हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकमरिस टेस्ट के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि मैकमरिस टेस्ट क्या होता है, मैकमरिस टेस्ट किस कंडीशन में आपको करना होता है, और साथ ही आपको बताएंगे कि मैकमरिस टेस्ट आप किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, मेनिस्कल टियर का पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं मैकमरिस टेस्ट का। तो मैकमरिस टेस्ट को समझें, उससे पहले हम समझते हैं मेनिस्कस क्या होते हैं। दोस्तों, मेनिस्कस एक सी शेप्ड हाईली टफन्ड कार्टिलेज होता है, जो कि हमारी थाई बोन और शिन बोन के बीच में मिलता है, यानी कि आपकी टीबिया और फीमर के बीच में जो कार्टिलेज मिलता है उसी को हम बोलते हैं मेनिस्कस। अब बात करते हैं ये मेनिस्कस टॉर्न कैसे होता है। तो दोस्तों, जब आपने अपने नी जॉइंट के ऊपर वेट बियर कर रखा हो और सडनली आपका नी जॉइंट ट्विस्ट हो जाए, तो इस कंडीशन में हाईली चांसेस होते हैं कि आपका मेनिस्कस टॉर्न हो जाए। तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि मेनिस्कस क्या होता है और मेनिस्कस किस तरीके से टॉर्न होता है। अब बात करते हैं कि मैकमरिस टेस्ट से आप किस तरीके से मेनिस्कल टियर का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, मैकमरिस टेस्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, पेशेंट को सुपाइन लाइंग लेटाना होगा, और इस कंडीशन में आपको अफेक्टेड जॉइंट को हाईली फ्लेक्स करना होगा, यानी कि मैक्सिमल फ्लेक्स पोजीशन में रखना होगा, और उसके बाद थेरेपिस्ट पैसिवली पेशेंट की टीबिया बोन को इंटरनली रोटेट करेगा, और साथ में आपको नी जॉइंट को एक्सटेंड करना होगा। टीबिया को इंटरनली रोटेट करते हुए नी जॉइंट को एक्सटेंड करना होगा। ऐसा करते वक्त अगर पेशेंट के नी जॉइंट में से क्लिकिंग साउंड रिप्रोड्यूस होते हैं या पेशेंट के नी जॉइंट में पेन बढ़ जाता है, तो इस टेस्ट को हम पॉजिटिव मानते हैं और ये मानते हैं कि मेनिस्कल टियर पेशेंट को हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको समझाया कि मेनिस्कल टियर क्या होता है और इस टियर का पता कैसे आप मैकमरिस टेस्ट के माध्यम से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।